नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डी प्रॉपर्टी इन्फो में। और आज हम बात करेंगे पीजी और रूम के बारे में, यानी कि पीजी और रूम इनमें क्या अंतर होता है। जब भी कोई स्टूडेंट या कोई सिंगल पर्सन अपने गांव से, अपने घर से कहीं शहर की तरफ पढ़ने जाता है या फिर नौकरी करने जाता है, जॉब करने जाता है, तो उसे रहने के लिए एक जगह की ज़रूरत होती है और यहीं पर उसके सामने दो विकल्प आकर खड़े हो जाते हैं। एक होता है पीजी और दूसरा होता है कोई रूम, कोई फ्लैट। पीजी को खास तौर पर स्टूडेंट्स और बैचलर्स के लिए ही बनाया जाता है। पीजी में आपको लगभग लगभग आपकी ज़रूरत का सारा सामान मिल जाता है, जैसे कुर्सी, टेबल, पंखे, बेड, कूलर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। और इसके साथ ही आपको लग्जरी आइटम भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे एलसीडी लगा होना, एसी लगा होना, फ्रिज लगा होना, और इसी के आधार पर उस पीजी का रेंट भी डिसाइड होता है। और इसके साथ ही आपको पीजी में 2 या 3 टाइम का खाना भी मिल सकता है, यानी कि एक पीजी में आपको लगभग लगभग सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन पीजी में आपको प्राइवेसी कम ही देखने को मिलती है, यानी कि अगर आप किसी पीजी में रहते हैं तो एक रूम में आपको हो सकता है कि 2 लोगों के साथ शेयर करना पड़े या किसी एक व्यक्ति के साथ आपको अपना कमरा शेयर करना पड़े। अगर कोई ऐसा कमरा आपको मिल जाता है जिसमें कि आप अकेले रहते हैं, तो हो सकता है कि उसमें भी आपको रेंट थोड़ा ज़्यादा देना पड़े। एक पीजी में अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपका कोई मित्र आपसे मिलने आता है और वो वहाँ रहना चाहता है कुछ दिन, तो ऐसे में शायद ही उस व्यक्ति को वहाँ पर रहने की परमिशन मिले। और इसके साथ ही पीजी में आपको और भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ बंदिशें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप कोई रूम लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, यहाँ पर पीजी के मुकाबले रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम देखने को मिलती हैं, इसलिए आपके फैमिली मेम्बर या आपके कोई मित्र यहाँ पर आना चाहें, कोई आपसे मिलने आना चाहे और यहाँ पर रहना चाहे आपके साथ कुछ वक्त, तो वो रह भी सकते हैं। हालांकि आपको रूम में, फ्लैट में इतनी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, आपको यहाँ पर सारा अरेंजमेंट खुद करना पड़ता है, जैसे कुर्सी, टेबल, बेड, एसी, खाना बनाने के लिए गैस, चूल्हा, फ्रिज, या इसके साथ आपको और भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई नीड है आपकी, तो वो आपको खुद ही अरेंज करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, आपको साफ सफाई भी करनी पड़ेगी यहाँ की और खाना पीना भी आपको अपने लिए बनाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इन दोनों में क्या अंतर है इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।